बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ नवीद नवाज एंड टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट टेंसेस। बेटा पहले मैं आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तक कंप्लीट माशाल्लाह समझा चुका हूँ। आगे जो थोड़ा सा हिस्सा रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो से, ठीक है ना, आपने फोकस करना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको समझाए थे, उनकी जो सीक्वेंस बेटा आपको बताई थी मैंने, वो ये थी कि सबसे पहले हम डू या डज इस्तेमाल करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब। डू या डज इस्तेमाल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना बेटा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब ये तो आपने समझ लिया था, लेकिन कंसेप्ट आपको दिया गया था डू या डज के हवाले से, ठीक है ना, कि शुरू में सवालिया फिक्रों के शुरू में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में जो हम, ठीक है ना, यूज़ करते हैं वर्ड्स, वो डू या डज हैं। लेकिन इससे हट के, ठीक है ना, कुछ फिक्रे क्वेश्चन वर्ड्स के हवाले से भी होते हैं कि उनके शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, सवालिया लफ्ज़, ठीक है। तो जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी, ठीक है ना बेटा, समझाए हुए हैं, आपको याद कराए हुए हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में जो आपको कराए थे वही। तो क्वेश्चन वर्ड्स ये हैं बेटा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हूज, होम, हाउ, हु, विच, ये हैं बेटा। तो व्हाट का मीनिंग क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हूज किसका, किसकी, होम किसको, हाउ कैसे, हु कौन, विच कौन सा, कौन सी, कौन से के मानों में इस्तेमाल होती हैं। तो अगर फिक्रा ऐसा आ जाए कि जहाँ इन क्वेश्चन वर्ड्स में से भी हमें कुछ चूज़ करना पड़े, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हम डू या डज से पहले इस्तेमाल करती हैं। इस बात को जहन में रखिएगा कि वैसे तो सिंपल जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं, सवालिया फिक्रे होती हैं, वो डू या डज से शुरू होती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ किया जाता है उनमें, ठीक है ना, उर्दू फिक्रे में कहीं कहाँ का लफ्ज़ यूज़ किया जाए, कहीं कब का लफ्ज़ यूज़ किया जाए, कैसे का लफ्ज़ यूज़ किया जाए, कौन का लफ्ज़ यूज़ किया जाए, क्यों का लफ्ज़ यूज़ किया जाए बेटा, ठीक है ना, तो वाई, क्यों, ठीक है ना, तो फिर हम डू या डज से पहले इन क्वेश्चन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल लिखी हैं, वो कहाँ रहता है। अब देखें इसमें क्वेश्चन वर्ड्स के हवाले से जो हमने लफ्ज़ पकड़ना है वो है कहाँ, कहाँ, और कहाँ का मैंने आपको यहाँ तक ट्रांसलेशन ये लिखवाई हुई है। हम इंग्लिश का क्वेश्चन वर्ड यूज़ करती हैं वेयर, बाकी तरीका सारा वैसे ही होगा, सब वैसे ही होगा। डू या डज से पहले हमने ये वेयर, व्हेन, व्हाई वगैरह लगा देनी है। तो इसकी जो इंग्लिश बेटा बनेगी, वेयर, डू, अब आप ये देखिए वो, ठीक है ना, वो पे फोकस करना है हमने, सब्जेक्ट को देख के फिर जो है ना डू या डज को सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को देख के हमने डू या डज लगाना है, वो आया हुआ है। और इधर देखें रहता है, सिंगुलर, सिंगुलर है ये, रहते हैं नहीं है, आपने दे यूज़ नहीं करना, रहता है, तो इसका मतलब है ही आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। और सब्जेक्ट जब ही हो तो फिर हमने डज यूज़ करना होता है। आपको समझाया था ना कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हम, ठीक है ना बेटा, डज यूज़ क्या यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, क्या यूज़ करती हैं सब्जेक्ट से पहले, डज यूज़ करती हैं। तो बेटा डज यूज़ किया जाएगा, वेयर डज ही लिव, रहना, लिव, वेयर डज ही लिव, ठीक है बेटा। अब वो कब सोती है, वो कब सोती, अब सोती है, इससे आपको पता चलेगा कि हमने शी यूज़ करना है, सोता है नहीं, सोती है, फॉर फीमेल, ठीक है ना, तो हमने शी यूज़ करना है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि शी के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, वो डज है, वो क्या है, डज। अब क्वेश्चन वर्ड आपने देखना है क्या, वो कब है, तो कब की इंग्लिश बनती है हमारे पास व्हेन, क्या बनती है, व्हेन, तो वो कब सोती है, व्हेन डज शी स्लीप, सोने की इंग्लिश बेटा स्लीप, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है ना, तो व्हेन डज शी स्लीप,
When does she sleep? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क बेटा कंपल्सरी है, मस्ट है, लाजमी लगाना होता है। अगर क्वेश्चन मार्क ना लगाया जाए तो फिक्रा जो है ना वो ठीक नहीं रहता, कमी बाकी रह जाती है। तो मेहरबानी करके सवालिया फिक्रों में सवालिया निशान लाजमी लगाया करें, ना भूला करें, ठीक है। उसके बाद बेटा तुम किसको ख़त लिखते हो, तुम किसको ख़त लिखते हो। अब तुम आया हुआ है, आपने सब्जेक्ट को देखना है। मैंने बार बार आपको बात की है सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या है, तुम, इसके लिए यू यूज़ किया जाएगा। जब यू हो तो फिर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो डू होता है, वो क्या होता है, डू। तो किसको के लिए जो, ठीक है ना, हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाएगा वो होम है, वो बेटा क्या है, होम है। तो होम डू यू, राइट अ लेटर, लिखना राइट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज जो की जाएगी और लेटर, होम डू यू राइट अ लेटर। होम डू यू राइट अ लेटर बेटा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम हर रोज सैर के लिए क्यों जाते हैं, हम हर रोज सैर के लिए क्यों जाती हैं। क्वेश्चन वर्ड इसमें जो यूज़ किया गया वो क्यों है, और क्यों की इंग्लिश बेटा वाई, क्यों की इंग्लिश वाई। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो हम है, इंग्लिश में वी, और जब सब्जेक्ट वी हो तो फिर हम डू यूज़ करती हैं, डू लगाती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है ना, क्यों के लिए वाई, फिर ठीक है ना डू आएगा, वाई डू वी, वाई डू वी। गो आउट फॉर अ वॉक, सैर करने के लिए वॉक, ठीक है ना। वाई डू वी गो फॉर अ वॉक डेली, हर रोज, डेली, एवरी डे भी होता है बट आप डेली लिखेंगे। वाई डू वी गो फॉर अ वॉक डेली, अब ये बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको समझा दिए थे, ठीक है ना। उनमें हमने डू और डस को यूज़ किया था, लेकिन फिर डबल इंटरोगेटिव, ठीक है ना, सेंटेंसेस आ जाती हैं, उनमें क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो डू और डस आ जाती हैं इनसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाता है, समझ आ रही है। तो वो हमने यूज़ किया, ये तरीका भी आपने सीख लिया। फिर हु वाले फिक्रे आ जाती हैं, तो हु वाले फिक्रों का जो मेथड है वो थोड़ा हट के है, उन पे, उस पे जो है ना आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लेनी है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। दरवाजे पर दस्तक कौन देता है, कौन सवालिया लफ्ज़ है, क्वेश्चन वर्ड है, इसके लिए जो हम इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं वो हु है, वो क्या है, हु। अब बेटा ये बात, ठीक है ना, जहन में रखें, इसे याद रखें कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये हु एज सब्जेक्ट भी यूज़ होता है और एज क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ होता है। ये सब्जेक्ट यूज़ होगा, पहले तो आपको मैंने बताया कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगल नेम, प्लूरल नेम, इसको एज सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। लेकिन हु में हम सब्जेक्ट इसी हु को यूज़ किया जाएगा, हु वाले सेंटेंसेस में इसी हु को एज सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, एज क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, दोनों तरह से यूज़ कर दिया जाता है। अब उसके बाद कोई डू या डज यूज़ नहीं किया जाएगा, कोई भी डू या डज यूज़ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है ना। डू डज अब यूज़ नहीं करना हमने, हु के बाद डायरेक्ट हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाएंगे, हु के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाएंगे, ये ज़हन में रखिए। अब दरवाजे पर दस्तक कौन देता है, हु, अब दस्तक, ठीक है ना, दस्तक नॉक करना, ठीक है ना, वर्ब है ये, तो हु नॉक्स और फिर एस या ई एस का इजाफा साथ करेंगे, हु नॉक्स एट द डोर, हु नॉक्स एट द डोर। कोई डू या डज आप देखें यूज़ नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू मेथड, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जहन में रखें, तो हु के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, हु नॉक्स एट द डोर। उसके बाद आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है ना, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश,
Who teaches you English? उसे कौन मारता है, ठीक है ना, मारना बीट, तो हु बीट्स हिम, उसे कौन मारता है, हु बीट्स हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मास्टर बेटा लाजमी लगाना है। अब ये देखिए, ये तो मैंने हु के हवाले से आपको तीन सेंटेंसेस लिखवा दिए कि हु को हम एज सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं और एज क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब ये ठीक है ना, इसमें कोई नहीं का फिक्रा नहीं आया, लेकिन अब यहाँ नेगेटिव इंटरोगेटिव में अपने घर को कौन साफ नहीं करता, देखिए नहीं आ गया है, नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, तो फिर अब यहाँ डज को यूज़ किया जाएगा, डज नॉट को लाया जाएगा, ये जहन में रखिए, हु डज नॉट क्लीन हिज हाउस, ठीक है ना, अब ये नहीं, ठीक है ना, नेगेटिव के लिए यूज किया जाएगा डज नॉट, हु डज नॉट, ठीक है ना, साफ बेटा फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्लीन, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हु डज नॉट क्लीन हिज हाउस, कौन किताब नहीं पढ़ता है, अब कौन के लिए आपको पता है, हु नहीं आया हुआ है तो आपने डज नॉट यूज करना है, हु डज नॉट पढ़ना, पढ़ना ठीक है ना वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना, इंग्लिश में रीड, तो हु डज नॉट रीड द बुक, हु डज नॉट रीड द बुक, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन वर्ड्स के हवाले से जो फिक्रे बनते थे डबल इंटरोगेटिव, वो आपको समझाएंगे कि इन फिक्रों में डू या डज से पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो व्हाट, वेयर, व्हेन, हूज, होम, हाउ, हु, विच, व्हाई वगैरह हैं जो यूज़ किए जाते हैं। फिर हु वाले फिक्रे आई हैं, तो हु वाले फिक्रों का मैंने आपको बताया है कि हु को हम एज सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं और एज क्वेश्चन वर्ड सवालिया लफ्ज़ के तौर पर भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब उन इन हु वाले फिक्रों में हु के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये जहन में रखिए, कोई डू या डज हमने यूज़ नहीं करना, डू या डज को इस्तेमाल नहीं करना हु वाले फिक्रों में, उसके फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है, ये हो गया बेटा। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस आई हैं हु के हवाले से, तो हमने डज नॉट यूज़ करना है, हु के बाद बेटा क्या यूज़ करना है, डज नॉट यूज़ करना है, तो हु डज नॉट क्लीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये जहन में रखिए। और इन सब के आखिर में क्वेश्चन मार्क, बार बार मैं कह रहा हूँ, सवालिया निशान लाजमी लगाएं, इंटरोगेटिव साइन मस्ट है। उसके बाद बेटा कभी नहीं के हवाले से, ठीक है ना, जो इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करते हैं वो नेवर है, वो क्या है बेटा, नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। अब वो कभी चाय नहीं पीता, वो कभी चाय नहीं पीता, अब हमने यहाँ भी जैसे हु में, ठीक है ना, हमने डू या डज यूज़ नहीं किया, यहाँ भी हमने बेटा डू नॉट या डज नॉट वगैरह यूज़ नहीं करना, ही नेवर को यूज़ करना है, ही ये सब्जेक्ट बेटा आया हुआ, ही हमने सब्जेक्ट को देख के ही एस या ई एस का इजाफा करना होगा। अब यहाँ सब्जेक्ट वो है, ही यूज़ किया जाएगा, यहाँ पीता, अगर वो लिखते पीते तो फिर ये ठीक है ना चेंज हो जाता, प्लूरल में चला जाता और इधर हम दे यूज़ करते, लेकिन यहाँ पीता है, आप ऑब्जेक्ट को जो है ना लास्ट वाला जो फिक्र है उसे लाजमी देखा करें, पीता आया हुआ है, सिंगल है, तो ये ही यूज़ होगा, ही नेवर टेक्स टी, ठीक है ना, कोई डू नॉट या डज नॉट हमने यूज़ नहीं किया, हमने नेवर यूज़ किया है, हमने क्या यूज़ किया है, नेवर यूज़ किया है, ही नेवर टेक्स टी, ही आया हुआ है बेटा, सब्जेक्ट अगर ही शी इट या सिंगल नेम हो तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो ही नेवर टेक्स टी। उसके बाद वो कभी किसी को गाली नहीं देता, ठीक है बेटा, तो He never abused to anybody. He never abuses. गाली देना बेटा abuse. गाली देना abuse verb है. He never abuses to anybody.
वो कभी बात नहीं करती। करती से आपको पता चल जाना चाहिए कि फीमेल के लिए शी यूज़ किया जाएगा। ही शी नेवर टॉक्स, ठीक है ना। क्या आएगा बेटा? शी नेवर टॉक्स, बात करना, टॉक, ठीक है ना। शी नेवर टॉक्स, तुम कभी नहीं मिलते हो। सब्जेक्ट यू है, तुम है, ठीक है ना। तो फिर हम अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। यहाँ मैंने एस आई एस का इजाफा क्यों किए कि पहले फिक्रे में सब्जेक्ट ही है, दूसरे फिक्रे में सब्जेक्ट ही है, तीसरे में शी है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट यू है, यहाँ सब्जेक्ट यू है, तो इसलिए अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई भी एस आई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। तो यू नेवर मीट, यू नेवर मीट। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। हर हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर समझा दिया गया है। कोई भी बात हो तो आप, ठीक है ना, जब इंशाल्लाह ताला स्कूल ओपन हो गए तो तब, ठीक है ना, पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह।